हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं। दोस्तों जुलाई का मंथ चल गया, बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे लॉन्चेस हुए। दोस्तों अगर आप एक नया फ़ोन लेना चाहते हैं और किसी फ़ोन का वेट कर रहे हैं दोस्तों, तो अगस्त का महीना भी दोस्तों बहुत ही धमाकेदार है। अगस्त के महीने में दोस्तों इंट्री लेवल से लेकर फ्लैगशिप लेवल का दोस्तों फ़ोन लॉन्च होने वाला है और इसमें सबसे ज़्यादा बाजी मारने वाला है दोस्तों सैमसंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो अगस्त में आने वाले। तो जो है दोस्तों 5 तारीख को अनपैक इवेंट होने वाला है दोस्तों सैमसंग का, आपको पता ही है दोस्तों। उसमें बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं, बहुत सारी डिवाइसेस भी लॉन्च होने वाली है दोस्तों सैमसंग का। आप कौन कौन सा होगा लेकिन दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा, ये दो फोन लॉन्च हो गए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त डिजाइन पे। पहला बार दोस्तों इसको ऐसा बोल सकते हैं कि गोल्डन डिजाइन पे आएगा दोस्तों, या फिर दोस्तों अलग तरह का कॉपर डिजाइन पे आने वाला है। ये ट्रिपल रियर कैमरा पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा, जो काफी जबरदस्त लगता है, काफी कूल लगता है दोस्तों। एस पेन वगैरह तो इसमें आते ही है, नोट सीरीज है दोस्तों, लेकिन इसकी प्राइस कुछ कम नहीं होगी ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। सबसे लोअर वेरिएंट जो है 75,000 के करीब होने वाला है। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के दोस्तों स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें एक्सोनॉस का 990 का प्रोसेसर होने वाला है, जो काफ़ी ज़बरदस्त होगा दोस्तों, 5G पे होगा। और ऐसा बताया जा रहा है ट्रिपल रियर कैमरा जो होगा दोस्तों 64-12-12 का होगा और 43 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग वगैरह भी होने वाला है दोस्तों। जब ये फ़ोन आएगा तो इसकी सारी खबर देंगे। और दोस्तों नोट 20 अल्ट्रा का भी स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें भी दोस्तों सेम प्रोसेसर होने वाला है, लेकिन कैमरा सेटअप यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया गया है दोस्तों। और 5000 mAh की बैटरी इसमें आने वाली है। कैमरा सेटअप जो है 108 MP का दोस्तों प्राइमरी होगा और दोस्तों दूसरा 12-12 होने वाला है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, जब ये फ़ोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे। दूसरा जो फ़ोन है दोस्तों इसी लॉन्च इवेंट में दोस्तों लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 2, या फिर दोस्तों फोल्ड 2 भी कह सकते हैं, इस तरह का कुछ है, मतलब इस तरह का जो होता है दोस्तों उस तरह का है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला दोस्तों चिपसेट होने वाला है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन दोस्तों ये किडनियाँ मांगेगा, वो जब आएगा दोस्तों तो आपको सारी खबर देंगे। तीसरा जो फ़ोन है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A42, ये दोस्तों 3C सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया दोस्तों, बहुत ही जल्दी इंडिया में अगस्त में देखने को मिल सकता है ये। इसमें 5000 mAh की बैटरी होगी दोस्तों, क्वाड कैमरा होने वाला है, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। और ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन होगा, लेकिन ए सीरीज़ का फ़ोन आपको पता ही है दोस्तों ऑफलाइन मार्केट के लिए होता और काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 25,000 से 30,000 के रेंज में आने वाला है, जब ये आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। चौथा जो फ़ोन है दोस्तों सैमसंग का M51, ये काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है और आपको पता है M सीरीज़ का फ़ोन दोस्तों कितना पॉपुलर होता है और कितना ज़बरदस्त होता है दोस्तों। तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 675 का दोस्तों प्रोसेसर होने वाला है, ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है दोस्तों 64-12 और 8 का दोस्तों, और दोस्तों 16 MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है, 47 mAh की बैटरी होगी। जब ये फ़ोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे। दोस्तों सैमसंग का जो पांचवा फोन है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M41, ये जो फोन है दोस्तों एक्सोनॉस 9611 का प्रोसेसर पे आने वाला है, लेकिन दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा पे होगा 64-8 और 5 का दोस्तों, और दोस्तों 24 MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो बैटरी बैकअप होगी दोस्तों 6800 mAh की होगी, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। देखिए दोस्तों ये जब फोन आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे और बताएंगे ये किस तरह का। दोस्तों सैमसंग की बात हो गई है तो अब रियलमी के बारे में बात करते हैं, तो रियलमी का भी बहुत सारा फोन लॉन्च होने वाला है दोस्तों। आपको पता है कि इंडोनेशिया में दोस्तों रियलमी C15 लॉन्च हो गया है, जो क्वाड कैमरा पे आता है, बहुत ही ज़बरदस्त वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आता है। लेकिन दोस्तों ये इंडिया में आने वाला है अगस्त में, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। इसमें हीलियो का P35 का प्रोसेसर होने वाला है दोस्तों, क्वाड कैमरा होने वाला है, जिसमें दोस्तों 13-5-2-2 का दोस्तों रियर कैमरा होने वाला है, और दोस्तों 8 MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है, 6000 mAh की बैटरी होने वाली है, और इसकी जो प्राइस होगी दोस्तों लगभग 9,000 से 10,000 होने वाली है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन आप लेंगे अगर आएगा तो आप हमें ज़रूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं चाइना में बहुत ही जल्दी रियलमी V5 ये लॉन्च होने वाला है, फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है दोस्तों। इसमें कौन सा प्रोसेसर आएगा फ्लैगशिप का वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें 108 MP का दोस्तों प्राइमरी सेंसर होने वाला है, क्वाड कैमरा पे आएगा दोस्तों। आप ब्रांडिंग वगैरह देख सकते हैं, बड़ा सा रियलमी लिखा हुआ है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन लगता है। देखिए ये हो सकता है दोस्तों कि अगस्त में हमें देखने को मिले इंडिया में, जब ये फ़ोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब रेडमी की, तो रेडमी की तरफ से दोस्तों रेडमी 9 इसका दोस्तों टीजर पे जा गया है अमेजोन वगैरह में, आपको पता ही है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को दोस्तों ये लॉन्च होगा, और इसमें दोस्तों हीलियो का G80 का प्रोसेसर होने वाला है दोस्तों,
इसमें क्वाड कैमरा होने वाला है 13-8-5-4-2 का दोस्तों, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला, 5020 mAh की बैटरी होने वाली है। और दोस्तों इसका प्राइस रेंज क्या होगा जब ये फोन आएगा दोस्तों, तो आपको सारी डिटेल देंगे। दोस्तों बात करते हैं Redmi 9 जब लॉन्च होगा तो Redmi 9A क्यों नहीं लॉन्च होगा, एंट्री लेवल का फोन होने वाला है दोस्तों। Helio G25 का दोस्तों प्रोसेसर होगा दोस्तों, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, लेकिन USB Type-C वगैरह होगा एंट्री लेवल का फोन में। तो देखिए ये 5000 में आएगा या 6000 में आएगा जब ये फोन आएगा दोस्तों, तो आपको सारी डिटेल देंगे। दोस्तों चलते चलते एक मजाक की बात बता दें कि Redmi का 9C ये लॉन्च होने वाला है दोस्तों चाइना में बहुत ही जल्दी, लेकिन दोस्तों इंडिया में ये फोन नहीं आएगा, ये दोस्तों रीब्रांड करके आएगा। रीब्रांड में दोस्तों एक ही कंपनी आता है पोको, तो पोको का दोस्तों C3 बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है। एंट्री लेवल का ये फोन होगा दोस्तों, आप देखिए ये जब फोन आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे और बताएंगे कि किस तरह का दोस्तों थप्पा लगा के ये लोग दे रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इन्फिनिक्स की, तो इन्फिनिक्स की तरफ से दो फोन आने वाला है या तीन फोन भी आ सकता है दोस्तों। पहला जो है इन्फिनिक्स का हॉट 10 लाइट, ये फोन काफी जबरदस्त है दोस्तों, क्वाड कैमरा पे आता है, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी होगी, लेकिन प्रोसेसर वही सड़ा वाला दोस्तों Helio G25 इस तरह का कुछ प्रोसेसर इसमें होने वाला है जब ये फोन आएगा, तो आपको सारी डिटेल दे। वहीं दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे फोन की जो इन्फिनिक्स का दोस्तों आने वाला है लेकिन पता नहीं कब आएगा दोस्तों, इन्फिनिक्स का नोट 7 लाइट। ये जो फोन है दोस्तों काफी जबरदस्त है, क्वाड कैमरा वगैरह होने वाला है और 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर हो सकता है दोस्तों। जब ये फोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे, क्योंकि ये सिर्फ रूमर्स है, पता नहीं ये कब आएगा। और दूसरा जो फोन है दोस्तों इन्फिनिक्स का नोट 7, ये भी पता नहीं दोस्तों कब ये फोन आएगा, लेकिन जब ये फोन आएगा दोस्तों तो बहुत ही जबरदस्त होगा, डिजाइन वगैरह काफी जबरदस्त है। अब देखिए ये किस प्राइस रेंज में आएगा, और दोस्तों अगस्त में ये आएगा नहीं आएगा ये सिर्फ रूमर्स है, कंफर्म कुछ नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो की, तो ओप्पो का A72 5G वाला फोन ये चाइना में ऑलरेडी दोस्तों लॉन्च होने वाला है। इसमें दोस्तों डायमेंसिटी 720 का दोस्तों प्रोसेसर होने वाला है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, क्वाड कैमरा होने वाला है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है। आप देखिए अगस्त में हमें शायद इंडिया में देखने को मिले ये फोन, आप देखिए ये किस प्राइस रेंज में होगा। अब देखिए दोस्तों ओप्पो का फोन है तो इसकी प्राइस रेंज क्या होगी और किस तरह का होगा जब ये आएगा दोस्तों, तो आपको सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आसूस की, तो आसूस का जेन फोन सिक्स दोस्तों काफी पॉपुलर हुआ फ्लिप वाला दोस्तों, आपको पता ही है। तो ये दोस्तों जेन फोन 7 पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा दोस्तों, क्वाड कैमरा होने वाला, अब जब ये फोन आएगा तो इसकी सिर्फ रूमर्स है दोस्तों, कंफर्म कुछ नहीं, आप देखिए ये कब तक आएगा। वही दोस्तों आसूस का मोस्ट पॉपुलर फोन दोस्तों अगस्त में लॉन्च हो सकता है, आसूस जेनफोन मैक्स M3 M2 दोस्तों लॉन्च होगी, आपको पता ही है काफी जबरदस्त फोन था, तो उसी का सक्सेसर M3 दोस्तों कब तक आएगा इसकी सिर्फ रूमर्स है दोस्तों, लेकिन वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ क्वाड कैमरा आने वाला है दोस्तों, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये Helio G90T वाला प्रोसेसर पे आएगा। तो दोस्तों कुछ नई बात नहीं है, उसके जगह में दोस्तों रेडमी का और रियलमी का दोस्तों फोन अवेलेबल है, तो देखिए अगर कुछ अगर अच्छा करता है आसूस तो हमें लेने में मजा आएगा, वरना दोस्तों कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ये लिस्ट हुई जो अगस्त में फोन आने वाले, आपको इसमें से कौन सा बेटर लगा और किसके लिए आप रुके हैं आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। वैसे दोस्तों 15,000 से 20,000 के रेंज में कोई फोन अगस्त में लॉन्च होने वाला नहीं है, अगर कुछ होगा दोस्तों तो आपको बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का दोस्तों टेक न्यूज हम आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बढ़िया।